एक प्रश्न आया है, मैया तन मन का पोषण सब करते हैं, तन मन का पोषण सब करते हैं, लेकिन आत्मा का पोषण कैसे करें? बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों। भीतर का पोषण, आंतरिक पोषण, आत्मा का पोषण की जगह हम आंतरिक पोषण कहेंगे, आंतरिक पोषण सत्संग, ध्यान, ज्ञान, चिंतन, मनन, सद्वांचन, सद्विचार, तपश्चर्या आदि अनेक अनेक रास्ते से होता है। जो आदमी भोगी है, जो विलासी है, जिसको भोग विलास के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देते हैं, शरीर तक ही जिसकी यात्रा है, ऐसे लोग कभी कभी ये सारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। परंतु एक दृष्टांत मुझे छोटा सा याद आ रहा है, शायद समझ में आ जाए बात। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि तू 25 साल से सत्संग में जाता है, 25 साल से सत्संग में जाता है, सत्संग में क्या सुना बता, क्या सुना? तो मित्र ने कहा कुछ याद नहीं है, बस मैं जाता हूँ। अभी के अभी पूछेंगे कुछ याद तो मैं नहीं बता सकता हूँ, कुछ याद नहीं। बोले तो खाक गया तू सत्संग में। तब मित्र ने कहा कि अब तू जवाब दे कि 25 साल से तेरी शादी हुई और भाभी ने तुझे अनेक अनेक व्यंजन बना के खिलाए, तू बता आज तक क्या क्या खाया। बोले ये कोई थोड़ा याद रहने रखने की चीज है, ये तो बहुत कुछ खाया, इतना मैं कैसे बताऊं। तो बस मित्र ने कहा कि भाभी ने बहुत कुछ बना बना कर तुझे खिलाया है, लेकिन तुझे याद नहीं है, फिर भी तेरा शरीर का पोषण हुआ। अगर बनाकर नहीं खिलाया होता तो शरीर का पोषण नहीं होता। इसी तरह अगर मैं 25 साल तक सत्संग में नहीं जाता तो मेरे अंतर का पोषण नहीं होता, मेरी आत्मा का पोषण नहीं होता। तो ज्ञान, ध्यान, सत्संग, ये सब जो है ना संतों की कंपनी, ये सब आत्मा का पोषण है, आत्मा की खुराक है, उससे उसके लिए समय जरूर देना। धन्यवाद।